हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं हूं मनोजीत और मेरा चैनल मनोजीत में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। सो दोस्तों, आज मैं व्हाट्सएप के कुछ फीचर्स, टिप्स एंड हैक्स के बारे में आपको बताऊँगा। अगर उसके बारे में आपको जानना है तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। It's hard to breathe, but that's alright. Hush. अभी मैं आपको WhatsApp के 8 फीचर्स के बारे में बोलूँगा। हो सकता है आपको कुछ पता है और कुछ नहीं। तो पहला नंबर, अगर आपको कोई स्पेशल फ्रेंड का चैट आपके चैट लिस्ट के एकदम ऊपर रखना चाहते हैं, जिससे आप हर वक्त बातें करते हैं, तो वो कर सकते हैं। कैसे, आप देखिए उस चैट को, फ्रेंड्स का चैट को जस्ट होल्ड कीजिए। देखिए ऊपर एक पिन का ऑप्शन दिया हुआ है, उसको प्रेस कर दीजिए। देखिए पिन मार्क हो गया, तो ये चैट हर वक्त आपका चैट लिस्ट के ऊपर में ही रहेगा। तो ऐसे करके आप 3 चैट को कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये हो गया एक। अब आते हैं नंबर 2। अगर आपके पास बहुत मैसेज है, आप सभी को रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, आप देख लिए मैसेज बट आपको किसी फ्रेंड को रिप्लाई देना है बट आप तभी नहीं दे पा रहे हैं, तो आप उस फ्रेंड को मार्क कर सकते हैं। कैसे ना, उसको आपको सिलेक्ट करना है, उसके चैट को, ये जो 3 डॉट दिया है ऊपर, उसमें जाना है। देखिए मार्क एज अनरीड, इसको क्लिक कर देना है। देखिए एक ग्रीन कलर का राउंड सिंबल आ गया, मतलब ये आपको याद दिलाएगा कि आपको उस फ्रेंड को रिप्लाई देना है। अब आते हैं नंबर 3 पे। अगर आपके लिए कोई मैसेज इम्पॉर्टेंट हो या स्पेशल हो, जिसको आप सेव करके रखना चाहते, जो आपको बाद में ज़रूरत पड़ सकता है, तो उसको कैसे आप सेव करें। फर्स्ट उस मैसेज को आपको होल्ड करके सिलेक्ट करना है। उसके बाद ऊपर में देखिए एक स्टार दिया हुआ है, आप उस स्टार को क्लिक कर दीजिएगा, वो मैसेज हो गया स्टार्ट। अब ये मैसेज आपको कहाँ मिलेगा, आप मेन मेनू में आ जाइए। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 डॉट से जो मेनू, उसमें क्लिक कीजिए। देखिए 4 नंबर पे दिया हुआ है स्टार्ट मैसेज, उसमें क्लिक करने से देखिए आप जो जो स्टार्ट किए थे मैसेज, तो वो सब यहाँ पे एक के बाद एक आ जाएगा। अब आते हैं नंबर 4 पे। अगर आप चाहते हैं आपका फ्रेंड आपने कब मैसेज सेंड किए हैं वो ना देख पाए, मतलब जो ब्लू टिक पड़ता है वो ना पड़े, तो उसको भी आप सेट कर सकते हैं। कैसे ना, फर्स्ट आपको मेनू में जाना होगा, उसके बाद सेटिंग्स, देन अकाउंट, देन प्राइवेसी। अब देखिए यहाँ पे मेरा ऑन किया हुआ है, ये मैं ऑफ कर देता हूँ। अभी मैं कब मैसेज सेंड किया हूँ ये मेरा फ्रेंड्स नहीं देख पाएंगे, और इसके साथ भी आपका फ्रेंड भी कब मैसेज सेंड किया है वो भी नहीं देख पाएंगे आप, मतलब दोनों का ही चैट में वो डबल टिक ब्लू नहीं होगा। अब आते हैं नंबर 5 पे। अगर आप चाहते हैं आपने जो स्टेटस देते हैं वो, उसका जो ऑडियंस है वो आप खुद सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। पहले आपको स्टेटस में जाना होगा, उसके बाद यहाँ पे मेनू को ओपन करके देखिए स्टेटस प्राइवेसी, यहाँ पे ओपन कीजिएगा। ये देखिए मेरा माई कॉन्टेक्ट्स किया हुआ है। इसके अलावा भी आपका 2 ऑप्शन है, एक है माई कॉन्टेक्ट्स एक्सेप्ट और एक ओनली शेयर विद फ्रेंड्स। तो अगर आप पर्टिकुलर चाहते हैं कि आपका स्टेटस आपका कोई फ्रेंड्स देखने ना पाए, तो उसको भी आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे माई कॉन्टेक्ट्स एक्सेप्ट में को जाना होगा। अब जिसको चाहते हैं कि ये ना देखे आपका स्टेटस, तो उसको सिलेक्ट करके जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक कर देना है, ठीक है। और ये है ओनली शेयर विथ, अगर आपका ऑडियंस सिलेक्ट करना चाहते, मतलब ये फ्रेंड ही आपका स्टेटस देखे ये सेट करना चाहते हैं, तो तब आपको ये ओनली शेयर विथ में जाना होगा। उसके बाद आप फ्रेंड सिलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद राइट क्लिक और लास्ट में सब करके इस नीचे में डन कर दीजिएगा। अब हो गया आपका स्टेटस प्राइवेसी सेट। अब है नंबर 6। आप अगर व्हाट्सएप में किसी कॉन्टेक्ट को ब्लॉक करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। पहले आपको मेनू में जाना होगा, उसके बाद सेटिंग्स, देन अकाउंट्स, देन प्राइवेसी। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे ब्लॉक कॉन्टेक्ट दिया हुआ है, इसको ओपन कीजिएगा। मेरा जितना ब्लॉक किया हुआ है वो दिखा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए कोने में एक
ऐड फ्रेंड कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे जाइए, देखिए जिसको आप यहाँ पे से ब्लॉक करना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट कीजिए, वो डायरेक्टली ब्लॉक हो जाएगा। देखिए मैं एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखिए नीचे मेरा आ गया वो नंबर, ठीक है। अब उसको अगर अनब्लॉक करना चाहते हैं तो आप उसी कॉन्टैक्ट को टैप कीजिएगा, यहाँ पे देखिए अनब्लॉक दिया हुआ है, उसको टैप करने से अनब्लॉक हो जाएगा। अब आते हैं नंबर 7 पे, बहुत किसी का व्हाट्सएप में जो भी फोटो वीडियो ऑडियो आता है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है, तो इससे उनका मोबाइल डेटा भी जल्दी से ख़त्म हो जाता है, तो इसको भी आप सेट कर सकते हैं। पहले आपको मेनू में जाना है, उसके बाद सेटिंग्स, उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टोरेज एंड डेटा, इसमें क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए नीचे दिया हुआ है व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा, यहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, फोटोज़ ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट्स, इसमें से आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी नया सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, जैसे मेरा मोबाइल डाटा में कुछ भी सिलेक्ट किया हुआ नहीं है तो ये मैं ओके कर देता हूँ। और यहाँ पे देखिए व्हेन कनेक्टेड ऑन वाईफाई दिया हुआ है, इसमें आप सब सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप वाईफाई में कनेक्ट कीजिएगा तब अगर कुछ आता है तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाए, इसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। बट मोबाइल डेटा में आप इसको ऑफ करके रखें तो वो भी बेटर है। अब आते हैं नंबर 8 पे, ये एक नया तरीका है दोस्तों, अब आप फ़ोन को ना छू के व्हाट्सएप को ना ओपन करके आप व्हाट्सएप में मैसेज भेज सकते हैं, ये आप गूगल के थ्रू कर सकते हैं, जैसे मैं अभी दिखाता हूँ, देखिए। ओके गूगल, ये मेरा गूगल ओपन हो गया, अब मैं वॉइस टाइप कर रहा हूँ, मैंने बोला सेंड द टेक्स्ट टू कौस्तभ ऑन व्हाट्सएप, देखिए व्हाट्सएप का मैसेज का ये खुल गया, यहाँ पे बोल रहा है कि आपका मैसेज क्या है, मैं उसके बाद मैसेज दिया लिखा बोला हाय कौस्तभ हाउ आर यू, देखिए वो टाइप हो गया, अब मुझसे पूछ रहा है कि आप ये भेजना चाहते हैं या नहीं, तो मैंने जवाब में दिया सेंड इट, ठीक है। तो अब देखिए मैसेज डिलीवर हो गया, ऐसे करके आप फ़ोन को बिना छू के ही मैसेज भेज सकते हैं। अब मैं चेक कर लूँगा व्हाट्सएप में जाके, देखिए यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा इशू है इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है, देखिए डबल टिक आ गया, मतलब ये मैसेज डिलीवर हो गया। तो ये था आज तक का, ये मेरा पार्ट 1 है। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कीजिए और ऑल में रखिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो आपको फर्स्ट पता चल जाएगा।